चेन्नई की होम ग्राउंड चेपॉक पर चेन्नई सुपर किंग्स और साथ ही लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला खेला गया। आईपीएल 2023 में दोनों टीमें पहली बार आमने सामने उतरी। इस मुकाबले में चेन्नई की टीम ने 12 रनों से जीत हासिल की। साथ ही इस मुकाबले की बात करें तो टीम के लिए ऋतुराज गायकवाड़ की अर्धशतकीय पारी, डेविन कॉनवे के साथ उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण साझेदारी ने टीम को 200 के पार पहुंचाया। अंत में महेंद्र सिंह धोनी भी पुराने रंग में लौटे। 3 गेंदों का सामना करते हुए धोनी ने 12 रन बनाए और 2 गेंदों पर उनके लंबे लंबे छक्के भी देखने को मिले। लेकिन आपको बता दें कि लगातार अब महेंद्र सिंह धोनी को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने मैच प्रेजेंटेशन के बाद गेंदबाजों को भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि अगर गेंदबाज लगातार वाइड और नो बॉल फेंकेंगे तो एक नए कप्तान के अंदर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा सीजन शुरू होने से पहले भी लगातार ये चर्चाएं तेज हुई, अटकलें लगाई गई कि महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2023 का अपना आखिरी सीजन खेल रहे हैं। इन सभी के बीच रविंद्र जडेजा का भी बयान सामने आया है। बता दें कि पिछले साल यानी कि साल 2022 में महेंद्र सिंह धोनी ने सीजन शुरू होने से पहले अचानक कप्तानी छोड़ने का फैसला किया। रविंद्र जडेजा को चेन्नई सुपर किंग्स का कप्तान बनाया गया, लेकिन टीम का प्रदर्शन काफी खराब रहा तो रविंद्र जडेजा से कप्तानी वापस लेकर धोनी को दे दी गई। इस दौरान रविंद्र जडेजा और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच भी काफी कुछ मनमुटाव देखने को मिला था, लेकिन अब रविंद्र जडेजा ने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर उनके आखिरी मैच, आखिरी सीजन को लेकर बड़ी बात कह दी है। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच शुरू होने से पहले रविंद्र जडेजा ने कहा कि माही भाई एक और सीजन के साथ वापस आ रहे हैं। फैंस के लिए चेन्नई में एमएस धोनी को देखना एक बड़ा अवसर है। वह अपना फैसला जानते हैं, जानते हैं कि वह क्या करते हैं। सीएसके मैनेजमेंट में कोई भी उन्हें नहीं बताएगा कि क्या करना है। अगर वह रहना चाहते हैं तो वह रहेंगे, अगर वह जाना चाहते हैं तो वह जाएंगे। जडेजा ने कहा कि जब धोनी आईपीएल को अलविदा कहेंगे तो वह शांति के साथ ऐसा करेंगे। इसके अलावा जडेजा ने आगे कहा कि हमारे पास बहुत सी यादें हैं, जैसा कि हम जब 2018 में चेन्नई वापस लौटे, जब हमने अपने अभ्यास सत्र के लिए खुली बस में यात्रा की तो प्रशंसक जगह जगह इकट्ठा हो गए थे, लगभग रो रहे थे क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्हें एमएस धोनी को सीएसके के लिए चेन्नई में खेलते हुए देखने का मौका मिलेगा। और अब रविंद्र जडेजा ने ये कहा कि चेन्नई में अगर महेंद्र सिंह धोनी अपना आखिरी सीजन खेलेंगे तो वह शांति से निकल जाएंगे और वह अपना डिसीजन खुद लेंगे। बहरहाल आपको ये भी बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स ने साल 2023 के सीजन में मिनी ऑक्शन में बेन स्टोक्स को अपनी टीम में शामिल किया। ऐसे में बेन स्टोक्स को महेंद्र सिंह धोनी के बदले चेन्नई की टीम का कप्तान माना जा रहा है, और अगर ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी अपना आखिरी सीजन खेलते हैं तो बेन स्टोक्स ही यह जिम्मेदारी आगे संभालते हुए नजर आ सकते हैं। बहरहाल ये फैसला तो महेंद्र सिंह धोनी लेंगे, लेकिन रविंद्र जडेजा ने अपने दिल की बात कह दी है। आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।